Hi friends, my name is Jatin and you are watching Bollyviews. इस वीडियो में हम बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की चार बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करेंगे, यतीम, बेताब, डकैत और सोनी महिवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बेताब के बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि बेताब आप में से किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है रणवीर सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेताब को बॉक्स ऑफिस पर 5 अगस्त 1983 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, अमृता सिंह, शम्मी कपूर, निरुपा रॉय और प्रेम चोपड़ा लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म ने अपने जो टोटल कलेक्शन की थी वो थी 5 करोड़ की। रही बात वर्डिक्ट हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि बेताब बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अब बात करते हैं यतीम। आपको बता दें कि यतीम आप में से किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है ललित भसीन। तो चलिए यतीम के बारे में बात करते हैं। तो यतीम को बॉक्स ऑफिस पर 2 दिसंबर 1988 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल और फराह नाज लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म के कुछ भी कलेक्शन के अपडेट्स नहीं पता चले, लेकिन रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि यतीम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और अब बात करते हैं डकैत के बारे में, और ये भी आप में से किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है ललित भसीन। तो चलिए डकैत के बारे में बात करते हैं। तो डकैत को बॉक्स ऑफिस पर 10 अप्रैल 1987 को रिलीज किया गया था। इसको राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, राखी, मीनाक्षी और सुरेश ओबेरॉय लीड रोल में नजर आए थे। रही बात बजट वगैरह की, नेट कलेक्शन की, वो सब तो नहीं पता चला, लेकिन फिल्म ने अपनी जो टोटल कलेक्शन की थी वो थी 2 करोड़ की। रही बात वर्डिक्ट हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि डकैत बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और अब बात करते हैं सोनी महिवाल की, और आपको बता दें कि ये आप में से किसी 4 लोगों की रिक्वेस्ट पर है, जिनके नाम है अभिषेक पांडे, जितेंद्र सिंह, रवि जामीवाल और उदय यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोनी महिवाल को बॉक्स ऑफिस पर 29 जून 1984 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म को उमेश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। इसमें सनी देओल, पूनम ढिल्लो, प्राण और जीनत अमान लीड रोल में नजर आए थे। रही बात फिल्म के कलेक्शन की, बजट की, वो कुछ भी अपडेट्स नहीं पता चले, लेकिन करें अगर बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि सोनी महिवाल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपडेट्स जानने के लिए प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।